हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम समझेंगे डिजिटल मल्टीमीटर की कंप्लीट वर्किंग को। तो ये जो डिवाइस रखा हुआ है इसको हम कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। ये इसका डिस्प्ले सेक्शन है और इसको बोलते हैं सेंट्रल नोब। अब ये जो सेंट्रल नोब है इस पे आप देखोगे यहाँ पर एक हल्का सा एरो का निशान बना हुआ है। इस एरो को अभी किस पोजिशन में किया हुआ है, ऑफ पे कर रखा है। इसका मतलब ये मल्टीमीटर ऑफ पोजिशन में है। अब इसके जो अलग अलग सेक्शन हैं वो कौन कौन से देखो। यदि हम यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को देखते हैं तो इस पे यहाँ लिखा हुआ है वी और ये दो लाइन क्या इंडिकेट करते हैं डीसी वोल्टेज को। वी का मतलब वोल्टेज और ये दो पैरेलल लाइन डीसी वोल्टेज। इसका मतलब यदि हमें डीसी वोल्टेज को मेजर करना है तो सेंट्रल नोब को हम इधर लेके इस पोजिशन में रखेंगे। अब इस सेंट्रल नोब को यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, वो वोल्टेज पे डिपेंड करना है कि आपको किस रेंज का वोल्टेज मेजर करना है, राइट। ये तो हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया डीसी वोल्टेज के लिए। अब इधर देखो आप, ये जो वी के साथ में सिंबल लगा रखा है ये किसका है, एसी का। इसका मतलब यदि हमें एसी वोल्टेज मेजर करना है तो सेंट्रल नोब को इस यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, या तो यहाँ रखेंगे या फिर यहाँ रखेंगे। ये किस पर डिपेंड करता है, यदि आपको वो एसी वोल्टेज 200 तक मेजर करना है तो इसको यहाँ रख लेंगे। यदि एसी वोल्टेज 200 से ज़्यादा है और 750 तक है तो इसको यहाँ रखेंगे, राइट। फिर अगला जो सेक्शन है ये वाला, जहाँ पर आपको ए दिखाई दे रहा है, फिर से वो पैरेलल लाइन हो गई है किसके लिए, डीसी करंट के लिए। यदि आपको डीसी करंट मेजर करना हो तो इसकी रेंज कितनी है, 200 मिली एम्पेयर से, या यूँ कह दें कि 2000 माइक्रो एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर तक। यदि करंट की रेंज और ज़्यादा है तो इसको हम फिर यहाँ ले आते हैं 10 एम्पेयर, ये इस सेक्शन में ले आएंगे, राइट। फिर अगला जो पोर्शन है ये लिखा हुआ है HFE। तो HFE मोड को जब हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी ट्रांजिस्टर के एमिटर, बेस और कलेक्टर पता करने हो तो इसको अब HFE मोड पे रखेंगे। अगला जो सिंबल है ये किस केस में आता है, डिजिटल सर्किट के आउटपुट को पता करने के लिए कि आउटपुट हो, जैसे हम गेट की बात करते हैं, राइट। गेट्स के केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, ये डिजिटल सर्किट के लिए बात करते हैं। अगला जो सेक्शन है ये वाला है हमारे पास में डायोड की वर्किंग ऑर्डर को, कि कोई डायोड वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं है, या फिर किसी सर्किट की कंटिन्यूटी को, किसी वायर की कंटिन्यूटी की पता करना हो तो सेंट्रल नोब को यहाँ लेके आएंगे। अगला जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन देखो, आप देखोगे तो यहाँ सिंबल बना हुआ ओम का। इसका मतलब यदि सेंट्रल नोब को इस पोजिशन में कर रखा है तो ये डायोड, ये जो मल्टीमीटर है क्या काम आएगा, रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम आएगा। और इसकी रेंज कितनी है, 200 ओम से लेके 2000 किलो ओम तक, राइट। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन काम आता है डायोड के एमिटर, बेस और कलेक्टर को पता करने के लिए, राइट। और फिर ये पता करना हो कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन से हैं तो इसको हम इस डायोड वाले मोड पे रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, ये इसके तीन टर्मिनल हैं। इस टर्मिनल को हम बोलते हैं कॉमन टर्मिनल, राइट। और कॉमन टर्मिनल में हम क्या पुट करते हैं, मेरे पास में डायोड इस मल्टीमीटर में कनेक्शन के लिए दो लीड हैं, एक रेड और एक ब्लैक, इनको हम बोलते हैं टेस्ट प्रोब। तो ये जो ब्लैक लीड है इसको तो पुट करते हैं कॉमन टर्मिनल में, राइट। जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है COM का मतलब क्या है, कॉमन टर्मिनल। ब्लैक लीड को कहाँ पुट कर दिया, कॉमन टर्मिनल में, और जो रेड लीड है इसको कहाँ पुट कर देते हैं, सेंट्रल टर्मिनल में, राइट। ये पुट कर दिया सेंट्रल टर्मिनल में। अब देखोगे सेंट्रल टर्मिनल के साथ में क्या क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वी, ओम और मिली एम्पेयर। मतलब वोल्टेज को मेजर करना हो, रेजिस्टेंस को मेजर करना हो, करंट को मेजर करना हो तो सेंट्रल टर्मिनल। अब ये वाला जो टर्मिनल बच गया इसको कब यूज़ करते हैं, यदि करंट की वैल्यू 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा हो तो इस सेंट्रल नोब को यहाँ से, इस रेड लीड को हम यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करते हैं, राइट। अब समझते हैं इसकी वर्किंग को। जैसे मान लो मेरे पास में एक ये डीसी सेल है और मुझे मेजर करना है कि इस सेल की वोल्टेज कितनी है, तो इस सेल की वोल्टेज को निकालने के लिए हमने क्या किया, सेंट्रल नोब को डीसी वोल्टेज मोड पे ले आए। और यदि आपको पता हो कि आप जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो किस रेंज में है तो उसको, सेंट्रल नोब को उसी रेंज में ले आएंगे। जैसे मान लो मुझे पता है कि ये लगभग 1.5 वोल्ट की सेल होती है, तो यदि इसको मैंने 20 पे पुट कर दिया सेंट्रल नोब को, मतलब ये 20 वोल्टेज तक हम इस पोजीशन में मेजर कर सकते हैं। यदि वोल्टेज 20 से ज़्यादा होगा तो इस सेंट्रल नोब को 200 पे लेके आएंगे, और भी ज़्यादा होगा तो 1000 पे लेके आएंगे, कम होगा तो इधर लेके आ सकते हो, राइट। अब जैसे मान लो हमें मेजर करना है इसके वोल्टेज को, तो क्या करते हैं, ये जो मल्टीमीटर है इसके पॉजिटिव को किससे कनेक्ट कर देंगे, सेल के पॉजिटिव से, और नेगेटिव को किससे कनेक्ट कर देंगे, सेल के
नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और अब आप देखेंगे रीडिंग लगभग कितनी आ रही है, 1.5 के लगभग आएगी, राइट। दिस इज़ द वोल्टेज ऑफ दिस सेल। अब यदि कनेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, राइट, सेल के पॉजिटिव को मैं मल्टीमीटर के नेगेटिव से जोड़ देता हूँ, तो लगभग उतनी वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। आप देखो डिस्प्ले पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो ये तो हो गया वोल्टेज को मेजर करना हो। अब ये तो हो गया डीसी वोल्टेज को मेजर करना हो। यदि एसी वोल्टेज को मेजर करना हो तो क्या करेंगे, इस जो सेंट्रल नोब है इसको एसी वोल्टेज के सेक्शन में लेके आएंगे, राइट। यहाँ ले आती, ये देखो सिंबल एसी वोल्टेज के लिए, और मैं एसी वोल्टेज के रेंज में इसको ले आया। अब इसको पुट करते हैं एसी टर्मिनल में और वोल्टेज को मेजर करते हैं। अब देखो एसी वोल्टेज को मेजर करना है तो हमें क्या करना होगा, इन टेस्ट प्रोब को एसी सर्किट में पुट करना होगा। इसको ले आए हम एसी मोड पे। अब देखो यदि मैं वोल्टेज को 200 कर देता हूँ और इसको डायरेक्ट मैं एसी में कनेक्ट करता हूँ, एसी के केस में आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने का कोई चक्कर नहीं है। यदि आप यहाँ स्विच को ऑन करेंगे तो ये रीडिंग नहीं दिखा रहा, क्योंकि जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट से ज़्यादा होगा। अब इसको मैं यहाँ से चेंज करके और 750 पे ले आता हूँ, और फिर आप रीडिंग देखेंगे तो लगभग कितनी आ रही है, 246-244 वोल्ट के लगभग ये एसी वोल्टेज को शो कर रहा है। इस प्रकार से एसी वोल्टेज को मेजर करना हो तो मल्टीमीटर से हम एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। अब ये मेरे पास में एक कार्बन रेजिस्टर है, हमें ये पता करना हो कि इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, सेंट्रल नोब को रेजिस्टेंस पोर्शन में लिया है, इस सेक्शन में लिया है, राइट। अब इसको कहाँ रखना है, यदि आपको इस कार्बन रेजिस्टर की वैल्यू का आइडिया नहीं है कि ये कितने का है, तो लगभग मैंने इसको 2000 ओम पे कर दिया। और देखो कनेक्ट करता हूँ इसके साथ दोनों टर्मिनल, कार्बन रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल पे पुट करता हूँ। मल्टीमीटर में आप देखेंगे रीडिंग कुछ भी नहीं आती, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 20 किलो ओम पे कर दिया, राइट। फिर देखेंगे रीडिंग कुछ भी नहीं आ रही है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा होगा। तो क्या किया मैंने, इसको सेंट्रल नोब को 200 किलो ओम पे ले आया, और अब इसके रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, राइट। आप देखेंगे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 117 या 116, 117 के रेंज में आ रहा है, लगभग 117 किलो ओम के लगभग इसका रेजिस्टेंस होगा, राइट। इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को मेजर करना हो किसी भी सर्किट के अंदर तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर वी कैन मेजर रेजिस्टेंस। अब इसी प्रकार से ये मेरे पास में एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये पता करना हो कि ये डायोड वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो क्या करते हैं, डायोड के कैथोड को ब्लैक लीड से कनेक्ट करेंगे। अब ये कैसे पता करेंगे कि डायोड का कैथोड कौन सा है, तो आप डायोड को ध्यान से देखेंगे तो इसके एक टर्मिनल पे ये जो सिल्वर कलर की रिंग आपको दिखाई देती है, ये जो सिल्वर कलर की रिंग है ये क्या बताती है, डायोड के कैथोड को। डायोड के कैथोड को किससे जोड़ेंगे, ब्लैक लीड से, और दूसरा जो टर्मिनल बच गया उसको रेड लीड से कनेक्ट करेंगे। और ये क्या, इसमें जो रीडिंग आती है ये रीडिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि डायोड किस कंडीशन में, वर्किंग ऑर्डर में। इसी प्रकार से यदि हमें यह पता करना होगा कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, तो करंट को फ्लो करवाने के लिए हमने एक ये डीसी बैटरी ले ली, इसके एक एंड के साथ में ये क्या कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब ये पता करना होगा कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या किया, देखो हमने सेंट्रल नोब को हम माइक्रो जो एम्पियर है इसकी रेंज में ले आए, राइट। और अब इसके जो पॉजिटिव है, यदि हमें करंट को मेजर करना है तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि मल्टीमीटर जो है वो किस में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। तो देखो यहाँ से हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ में रेजिस्टेंस का एक एंड कनेक्ट कर रखा है और दूसरे एंड पे मल्टीमीटर के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये पॉजिटिव को हम टच कर देते हैं इसके साथ में, और दूसरा जो एंड है यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। और आप देखेंगे जो मल्टीमीटर है वो रीडिंग शो कर रहा है। अब देखो सेंट्रल नोब को देखो ये किस रेंज में, माइक्रो एम्पियर की रेंज में है। तो लगभग जो करंट आएगा वो हमारा किस रेंज में आएगा, माइक्रो एम्पियर की रेंज में आएगा। तो इस प्रकार से हम डिजिटल मल्टीमीटर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, जो हमें गिवन ट्रांजिस्टर है वो NPN है या PNP टाइप का होगा, और उसके टर्मिनल्स एमिटर बेस कलेक्टर की पहचान करेंगे। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वंस अगेन।